संतान सप्तमी पर पारंपरिक तरीके से देसी स्टाइल के किस तरीके से पुआ बनाया, तो चलिए यहाँ पर हमने 2 कटोरी आटा लिया है और आधी कटोरी के लगभग गुड़ को घोल लिया है और इसको छान लिया है ताकि इसकी में की जो गंदगी है वो निकल जाए। अब हमें थोड़ा थोड़ा करके आटा गूंथने के लिए ये गुड़ वाला पानी हमें डालना है। इसको खस्ता और सॉफ्ट बनाने के लिए इसके डो में यहाँ पर दूध और मलाई हम डालेंगे। आप चाहें तो इसमें दूध से भी आटा गूंथ सकते हैं या फिर मलाई अकेली थोड़ी सी डाल सकते हैं या फिर घी या तेल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर दूध और मलाई थोड़ी सी हमने ले रखी है, 4 चम्मच के लगभग इसमें ऐड कर दी है और ये घर की बनी हुई सौंठ है तो यहाँ पर छोटी सी चम्मच है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं यदि आप व्रत के लिए नहीं बना रहे, हम व्रत के लिए बना रहे हैं इसीलिए हमने इसमें नमक नहीं डाला। ये आप देख सकते हैं 1.5 चम्मच के लगभग हमने सौंठ डाल दी है। अब हमें जो हम पुआ बनाने वाले हैं संतान सप्तमी के लिए स्पेशली, तो इसके लिए हम ये आटा गूंथ लेंगे। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी हमें और पानी की ज़रूरत है तो आप पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं या दूध कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये गुड़ वाला पानी था तो हमने गुड़ वाला पानी थोड़ा सा इसमें डाल दिया है। अब इसको और थोड़ा स्मूथ बनाने के लिए यहाँ पर थोड़ा ये दूध और मलाई वाला जो घोल रखा था तो हम इसमें थोड़ा ये डाल देंगे, इससे थोड़ा सा और ये सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत ही अच्छे खस्ता बनेंगे हमारे जो पुए बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए आटा को हमने इकट्ठा करके 10-20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है। आसान पल पर यदि आप नए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल आसान पल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। अब 10-20 मिनट के रेस्ट के बाद हल्का सा हमें नाम मात्र का पानी लेना है और आटे को अच्छा सॉफ्ट कर लेना है। आप जिस हिसाब से पूड़ियाँ बेलते हैं उस हिसाब से आटे को सॉफ्ट कर लें। आप चाहें तो अलग अलग लोइयाँ भी बना सकते हैं, यहाँ पर मैंने बड़ी लोई बनाई है और इसको इकट्ठा बेल के हम इसे काट लेंगे। आप यदि चाहें तो अलग अलग लोइयाँ बनाकर भी बना सकते हैं, यहाँ पर मैं इकट्ठा काट रही हूँ। और 14 हमें पुए बनाने हैं क्योंकि 7 हमें स्वयं खाने होते हैं और 7 हमें देने के लिए बनाने होते हैं। यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो तेल में भी ये सेंक सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा देसी घी एकदम से गर्म हो चुका है, हमने आँच को मद्दा कर दिया है और बेलकर ये हम पुए बना रहे हैं। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं और फूलते भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप जो हम घोलकर आटा घोलकर बनाते हैं पुए वही पर फूलते हैं, ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और देख सकते हैं आप किस तरीके से हमारे फूले फूले पुआ बन गए हैं। तो इस तरीके से हमें ये सेंक लेना है, आपको ये धीमी आँच में सेंकना है क्योंकि ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाते हैं, तो धीमी आँच में अच्छे क्रिस्पी भी बनते हैं और अच्छे गहराई से ये सिक भी जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7-7 के हमने 2 सेट बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। आप इनको चाहें तो डिजाइनदार बनाने के लिए थोड़ा और इनको किनारे पर गोंठ भी सकते थे। तो इस तरीके से 2 सेट हमें पूजा के लिए बना लेना है और इसका सेवन भैंस के दूध छाछ या फिर आप दही के साथ कर सकते हैं। तो इस तरीके से संतान सप्तमी के जो हमारी दादी नानी पुए बनाती थी तो वो ये